बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से सरोज खान बीमार चल रही थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। खबरों के मुताबिक सामने आया था कि सरोज खान को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन सांस से जुड़ी हुई समस्या तो सामने आई, लेकिन इसी बीच कार्डियक अरेस्ट के चलते सरोज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के समय में सरोज खान हमारे बीच नहीं है, बस उनकी यादें हैं जो जिंदा रह गई हैं। सरोज खान ने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कोरियोग्राफर के तौर पर हर किसी को अपना दीवाना कर दिया था। हर कोई उनके डांस का फैन हो गया था। ऐसे में अगर बात की जाए सरोज खान की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सरोज खान ने काफी सुर्खियां बटोरी। तो आइए आपको बताते हैं सरोज खान की निजी जिंदगी के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। सरोज खान ने भी अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सरोज खान आगे बढ़ती हुई चली गई और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम और रुतबा बना रखा था। दरअसल आपको बता दें कि 13 साल की उम्र में ही सरोज खान ने शादी की थी। जानकारी के लिए बता दें कि सरोज खान ने गुरु बी सोहनलाल से शादी की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सोहनलाल की उम्र 41 साल थी और 4 बच्चों के पिता भी थे। अपने एक इंटरव्यू में सरोज खान ने खुद खुलासा किया था कि जब मैंने शादी की तब मुझे इसके मायने नहीं पता थे। मास्टर सोहनलाल ने उनके गले में एक धागा बांध दिया, उन्हें लगा उनकी शादी हो गई है। वही 14 साल की उम्र में सरोज खान ने एक बेटे को जन्म दिया। साल 1963 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम है हामिद खान। इसके बाद साल 1965 में सरोज खान ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि जन्म के 8 महीने के बाद ही उस बच्चे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में सरोज खान और सोहनलाल का तलाक हो गया, लेकिन एक बार फिर से दोनों साथ हो गए और इसके बाद सरोज खान ने बेटी हिना खान को जन्म दिया। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोहनलाल ने सरोज खान से शादी तो की थी, लेकिन अपनी पहली शादी की बात उनसे छिपाए रखी थी। शादी के बाद जब उनके 2 बच्चे हुए, तब सोहनलाल ने दोनों बच्चों को अपना नाम देने से साफ इनकार कर दिया था और इसके बाद सरोज खान ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की। और फिर पति सोहनलाल से अलग होने के बाद सरोज खान ने सरदार रोशन से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है सुकेना खान, जो आज के समय में दुबई में डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं। और इस तरीके से सरोज खान की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सरोज खान ने हर किसी को दीवाना कर दिया था। अपनी कोरियोग्राफी के जरिए सरोज खान हर कहीं छा गई थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक अपनी कोरियोग्राफी का जलवा बिखेर कर रखा था। लेकिन अब सरोज खान हमारे बीच नहीं है, दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।